अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज अनुप उपाध्याय. आज हम सभी लोग वापस से हिंदू लॉ के पार्ट टू में एंटर कर चुके हैं. हिंदू लॉ का जो पार्ट टू है दोस्तों, बहुत दिनों से पेंडिंग था, अब इसको आज कंप्लीट कराएंगे. हिंदू लॉ के पार्ट टू में आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ स्कूल, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ. सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ हमने ऑलरेडी डील कर लिया था पिछले लेक्चर में. सोर्सेज को हमने ऑलरेडी डील कर लिया था. अब हमारी बारी है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की. और आपको मैं बता देना चाहता हूं, सोर्सेज के बाद हम जब स्कूल कर रहे हैं तो स्कूल के बाद कोई और लेक्चर आएगा क्या? यस, हिंदू मैरिज एक्ट. आपका हिंदू मैरिज एक्ट को मैं उसके बाद डील करूंगा. स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और क्लासेस को डील करते रहेंगे. तो साथियों, स्कूल्स को पढ़ने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि यह कोई ना तो विद्यालय है, ना ही ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है जहां पे आप जाएंगे पढ़ने. नाम से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. जैसे कि हमारे और आपके विचार, जैसे आप सोचते क्या हैं, आपके विचार हैं, मैं क्या सोचता हूं, मेरे विचार हैं. तो जो थॉट्स और आइडियाज होते हैं दोस्तों, उन्हीं को अंग्रेजी में स्कूल बोल दिया और हम सबको परेशान कर दिया. तो स्कूल कुछ नहीं है, स्कूल कुछ नहीं है, ये सिर्फ थॉट्स और आइडियाज हैं जिनके बेस पर हिंदू लॉ गवर्न होता है. तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि हम तो आईपीसी पढ़े हैं, सीआरपीसी पढ़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, लेकिन सर कभी स्कूल नहीं पढ़ा, ये इसमें स्पेशली स्कूल क्यों दिया गया? तो सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं. स्कूल इसमें क्यों दिया गया? क्योंकि जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूं, मेरे साथ कंटेंट बना लीजिएगा, प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे. अब देखो मैं आप सभी को क्या कह रहा हूं, मामला है क्या. मामला यह है साथियों कि जो हमारा हिंदू लॉ है वो दो तरीके का, इसमें पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है. एक तो जो ऐसा कानून जो बन गया है उसको कहते हैं संहिताबद्ध, कोडिफाइड लॉ. तो हिंदू लॉ में एक पार्ट तो कोडिफाइड हो चुका है, जिसको हम कह सकते हैं कोडिफाइड लॉ. क्या कह सकते हैं? कोडिफाइड लॉ. लेकिन अभी भी, अच्छा, कोडिफाइड को क्या बोलते हैं? संहिताबद्ध हो चुका है, संहिताबद्ध. लेकिन जो दूसरा कानून है दोस्तों, उसे बोलते हैं अनकोडिफाइड लॉ. अभी भी कुछ पोर्शन अनकोडिफाइड है, तो उसे बोलते हैं अनकोडिफाइड लॉ. तो मामला क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कोडिफाइड अनकोडिफाइड? इसको इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों कि जैसे अगर मैरिज से संबंधित कानून है, शादी विवाह से संबंधित कानून है, और कह सकते हैं कि जो माइनर होते हैं उनके विवाह को रोकने, मैरिज माइनर के मैरिज के रेस्ट्रेंट को करने का, रेस्ट्रेंट करने का अपने पास एक्ट बना हुआ है. उसके अलावा आप लोग जानते हैं सक्सेशन के लिए एक्ट बना हुआ है, मेंटेनेंस के लिए एक्ट बना हुआ है, एडॉप्शन के लिए एक्ट बना हुआ है. लेकिन अभी तक कुछ ऐसे भी कानून होंगे, 90% तो कानून बन गए हैं, लेकिन 10% अभी भी ड्यू है. जिस पर कानून या एक्ट नहीं बना हुआ है वो हो गए अनकोडिफाइड लॉ. तो इन अनकोडिफाइड लॉ को डील कैसे किया जाए? इनको तो हम डील कर लेंगे एक्ट के माध्यम से. कितने सारे एक्ट बने हुए हैं आपके कोर्स में, आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे एक्ट हैं. जैसे पहला हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ये तो आपने पढ़ा ही है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955. आपने ये भी पढ़ा है दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये कोडिफाइड लॉ है. तीसरा आपने ये भी पढ़ा है दोस्तों कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. फिर उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956. कहने का मतलब ये सारे कानून को कोडिफाइड कर दिया गया है. तो इनके लिए तो सीधी सीधी कानून है, हम उनको फॉलो कर लेंगे, ये कोडिफाइड लॉ हो गए आपके. लेकिन दोस्तों, दिक्कत कहां आएगी आपको? दिक्कत आपको आएगी कहां पर? अनकोडिफाइड लॉ में. इन्हीं अनकोडिफाइड लॉ को समझने के लिए हम स्कूल्स में घुस जाते हैं. अब जहां पर कानून नहीं बना है वहां पे विचार देखेंगे कि पूर्वजों के हमारे क्या विचार थे. तो उनको देखने के लिए साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो ये किसके लिए स्कूल्स हैं? ये जो है ये कोडिफाइड के लिए नहीं, अनकोडिफाइड के लिए है. तो अगर हमें अनकोडिफाइड हिंदू लॉ को समझना है
तो हम किसी एक्ट में घुसेंगे? नहीं भैया, एक्ट तो बना ही नहीं है। तब कहां जाएंगे? तब आप कौन से स्कूल्स को फॉलो करेंगे अनकोडिफाइड के लिए? तब आपके पास पहला मिताक्षरा स्कूल होगा, दूसरा आपका दया भाग स्कूल होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो मिताक्षरा और दया भागा, ये जो दो स्कूल्स हैं, ये स्कूल नहीं है, ये विचार हैं आपके। दीज आर दी थॉट्स और आइडियाज। तो कहने का मतलब, अगर मैं लेक्चर के शुरुआत में चलूं और मेरा ये जो फर्स्ट पेज था, ये स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, विचारों को बोला गया है स्कूल, जो विचार होते हैं या जो हमारे अवधारणाएं होती हैं। तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं थॉट्स, या फिर और क्या बोल सकते हैं? आइडियाज। तो हिंदू लॉ के थॉट्स और आइडियाज में आपका स्वागत है। बोलो, लेक्चर को स्टार्ट कर दिया जाए, सभी को स्टार्ट कर दिया जाए। सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ने आए हैं? चलिए, तो सभी लोग एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, जय हिंद एंड जय भारत। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अब आगे करेंगे बात इनके पार्ट्स की। तो हमने ये देख लिया कोडिफाइड और अनकोडिफाइड। कोडिफाइड में तो हमें मिताक्षरा और दया भाग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत कहां पड़ेगी? अनकोडिफाइड लॉ में, अनकोडिफाइड लॉ में। तो चलिए, मिताक्षरा और दया भागा दो स्कूल को पढ़ने से पहले अभी मैं एक एक स्कूल को आपको समझाऊंगा दोस्तों, मिताक्षरा स्कूल और दया भाग स्कूल। लेकिन इनको समझाने से पहले थोड़ा स्कूल के बारे में और जानकारी ले लेते हैं, ताकि जब आपका हिंदू लॉ के मेंस आंसर राइटिंग की बात आएगी, जब आप प्री पास हो जाओगे, तो आप मुझे याद रखोगे कि हाँ, ये अच्छे से लिखवाया था सर ने। देखिए, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि के क्या स्कूल्स होते हैं? पहला स्कूल देखिएगा, पहला पॉइंट देखिएगा, ये कह रहा है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ आर कंसीडर्ड टू बी द कमेंट्रीज एंड डाइजेस्टिव्स ऑफ द स्मृति। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, आपने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में पढ़ा था, सोर्सेज में आपने पढ़ा था, एक सोर्स है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है जो कुछ भी याद रखा गया, और जो कुछ भी याद रखा गया है उसे क्या कर दिया गया? राइटिंग में ले लिया गया, उसे ही बोला गया स्मृति। माफ कीजिएगा, उसे ही बोला गया स्मृति। अब इसी स्मृति से क्या बना? इसी स्मृति को याद कर करके, विस्मरण कर करके हमारे विचार पैदा हो गए। अब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ आर कंसीडर्ड टू बी द कमेंट्रीज एंड डाइजेस्टिव्स ऑफ द स्मृति। तो स्कूल्स जो होती हैं वो कुछ नहीं है, दो बातें हैं, ये या तो कमेंट्री में के फॉर्म में होती हैं स्कूल्स, या फिर ये डाइजेस्ट के फॉर्म में होती है, किसकी? स्मृति की। These schools have widened the scope of Hindu law. इस लाइन से आप सहमत हो क्या? अगर मैं ये लाइन लिख रहा हूं कि these schools have widened the scope of Hindu law, तो समझिए कहना क्या चाह रहा है। जैसे हिंदू लॉ का स्कोप क्यों बढ़ा? हिंदू लॉ का स्कोप कैसे बढ़ गया भाई? अरे, हिंदू लॉ में पहले ही कोडिफाइड तो था ही, और स्कूल्स का जब जन्म हो गया भाई, स्कूल्स का मतलब दो तरह के स्कूल, मिताक्षरा और दया भाग, इनके आने से कोडिफाइड के साथ साथ प्लस ये मिताक्षरा और दया भाग का भी एप्लीकेशन होने लग गया। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? कई जगहों पर जहां पर कानून नहीं बने हुए हैं, मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें कानून ही नहीं बना है, तो जज साहब क्या करेंगे? मिताक्षरा और दया भाग को फॉलो करेंगे, देखेंगे वहां क्या कहा गया है। अब सुनिए, स्कूल मीन्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ। स्कूल का मतलब क्या होता है? जितने भी रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं किसके? हिंदू लॉ के, विच आर डिवाइडेड इनटू ओपिनियन। स्कूल हिंदू विधि के नियम और सिद्धांत है जो कि विभिन्न मतों में बटा हुआ है, ओपिनियंस में बटा हुआ है। इट इज नॉट कोडिफाइड, यह संहिताबद्ध नहीं है। क्या स्कूल कोडिफाइड है? नो नो नो। आगे चलिए, स्कूल डिनोट्स अ पर्टिकुलर थॉट। ये स्कूल जो होता है एक पर्टिकुलर थॉट को और पर्टिकुलर आइडिया को बताता है, विच हैव रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स। यस, तो कुल मिला के जो स्कूल होते हैं, इन स्कूल्स को कौन? हमारे और आपके जैसे स्कॉलर्स, जैसे मैं लॉ स्कॉलर हूं, मैं लॉ का विद्वान हूं, और आप लॉ के महान विद्वान हैं जो लेक्चर को सुन रहे हैं। तो ऐसे हम लोग भी अपने विचारों को रख सकते हैं, तो हम लोग भी स्कूल्स को डेवलप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे आने के 200 साल बाद हमारे विचारों को क्या पता आगे आने वाली पीढ़ी पढ़े। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस।
अब देखो, तो इसी तरह से मिताक्षरा और जो दया भाग है, इसको जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स, उन्होंने अपनी फिलॉसफी को, क्या कह रहा हूं, उन स्कॉलर्स ने अपनी फिलॉसफी को रखा, अपने आइडिया को रखा, विचारों को रखा और बताया अपनी अपनी बातें। तो हिंदू लॉ को गवर्न करने के, हम लोग जो हिंदू हैं, उन्होंने दो तरीके से गवर्न हुए। कुछ लोगों ने बोला हम तो मिताक्षरा को फॉलो करेंगे, जो मिताक्षरा ने वो बात बोली है बहुत बढ़िया बात है। कुछ लोगों ने बोला हम तो मिताक्षरा को नहीं मानेंगे। तो किसको मानोगे भाई, हम मिताक्षरा को नहीं मानेंगे तो किसको मानोगे, हम दया भाग को मानेंगे। अब मैं अगर बोलूं दोस्तों कि मिताक्षरा और दया भाग, इसके सब डिविजन आपको दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बात और याद रखना कि जैसे मिताक्षरा और दया भाग में क्या डिफरेंस है, सुनो। मिताक्षरा में जैसे बोला गया कि बच्चे का जन्म हुआ, उसको बोलते हैं ललना लाल हुए, समझ रहे हो, मतलब ललना का मतलब बेटा पैदा हुआ है और लाल का मतलब बर्थ हुआ है। तो जैसे मिताक्षरा स्कूल में कोई बच्चे का बर्थ होता है तो क्या उसे प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है बाय बर्थ या नहीं मिलता, बता सकते हैं आप लोग? और वहीं पे दया भाग है, ये कहता है कि यहां पर भी जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक में कहता है कि आपको बाय बर्थ राइट मिल जाएगा और एक में कहता है जन्म के बाद मिलेगा, लेकिन पिताजी की मृत्यु होने के बाद। तो मिताक्षरा जो स्कूल है और दया भाग स्कूल है, उसमें यही डिफरेंस है। एक में क्या बोला गया, जैसे किसी सन का बर्थ हुआ, चाइल्ड का बर्थ हुआ, तब उसे बर्थ होते ही इमीडिएट राइट मिल जाएगा, लेकिन एक में यह बोला गया कि नहीं, आपको इमीडिएट राइट नहीं मिलेगा, फादर की जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन बच्चे को, सन को प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, सन को प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। तो कहने का मतलब समझो, अभी मैं ज्यादा डिफरेंस में नहीं जा रहा हूं, बस बता रहा हूं कि दो विचारों के लोग थे, तो जो जो विचार थे अलग अलग थे। अब विचारों को आगे फर्दर प्रोसीड करता हूं। मिताक्षरा में 5 सब डिविजन है। पहला है बनारस स्कूल, दूसरा है मिथिला स्कूल, तीसरा है महाराष्ट्र स्कूल, चौथा द्रविड़ स्कूल और पांचवा पंजाब स्कूल। कहने का मतलब भाइयों, हुआ क्या, पूरे भारत के विचार हैं ये। अब आप खुद सोचो, अगर आप यूपी के हो तो आपके विचार अलग हैं, आप बिहार के हो तो आपके विचार अलग हैं, आप राजस्थान के हो तो आपके विचार अलग होंगे, वहीं महाराष्ट्र में चले जाओ तो उनके विचार अलग हैं, है कि नहीं है, और साउथ में चले जाओ तब तो बात ही अलग है। तो उसी तरह से पहले जो जो स्कॉलर्स होते थे वो बनारस मिथिला एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुए, महाराष्ट्र द्रविड़ और पंजाब। उसी तरह से दोस्तों दया भाग स्कूल जो है ये पूरे भारत पर लागू होता था, लेकिन जो दया भाग स्कूल था वो सिर्फ बंगाल और आसाम में अप्लाई होता था, पूरे भारत में नहीं होता था। तो बंगाल और आसाम के लिए जो दो कानून, जो ये स्कूल आई वो दया भाग स्कूल थी, सिर्फ यहीं पर ही लागू होती थी, जिसको लिखा गया था जिमुत वाहन के द्वारा। क्या बोल रहा हूं, अब पहली बात सुनो कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि मिताक्षरा स्कूल के लेखक कौन थे, ऑथर कौन थे, और दया भाग के लेखक कौन थे, तो ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। तो चलिए पहले मिताक्षरा स्कूल के लेखक की बात समझ लेते हैं। जो हमारा मिताक्षरा स्कूल है दोस्तों, इट इज कमेंट्री ऑन यजनावल की स्मृति रिटन बाय विजनेश्वरा। तो कुल मिला के जो आपकी मिताक्षरा स्कूल है दोस्तों, इसके जो जो इसके लेखक है, पहले उसको लिखो, इसके जो राइटर हैं वो कौन है, यजनावल के, इसको यज्ञवल के भी बोल सकते हैं हिंदी में, यज्ञवल के, बड़ी हिंदी गड़बड़ है, यज्ञवल के, ठीक है, बहुत कमजोर हो गया हूं मैं, लिख अब हिंदी की जरूरत ही नहीं पड़ती दसवीं के बाद, बारहवीं के बाद। तो यज्ञवल्क्य, ठीक है, तो जो मिताक्षरा है ना दोस्तों, उसके लेखक कौन है, उसके लेखक है यज्ञवल्क्य, ठीक है, इसको यजनावल्क्य भी बोल सकते हैं। अब यज्ञवल्क्य क्यों बोल रहा हूं, यज्ञवल्क्य तो स्मृति है यार, तो ये एक स्मृति पर बेस्ड है, जो मिताक्षरा है ये यज्ञवल्क्य स्मृति पर बेस्ड है। मतलब मिताक्षरा स्कूल को कौन सी स्मृति से लाया गया, यज्ञवल्क्य की स्मृति से लाया गया, और उसके बाद यज्ञवल्क्य की स्मृति जो है वो किस पर आधारित है, ये किसके द्वारा लिखी गई है मिताक्षरा, ये लिखा गया विजनेश्वरा के द्वारा। बोलो समझ में आया क्या,
बस बात खत्म, इतनी सी बात है। हेलो सर, डू यू रिमेम्बर मी? ऋषभ, अच्छा अच्छा आप लोग स्पेशल क्लास में आए थे, राइट राइट ऋषभ, फ्रॉम यू आर फ्रॉम युगांडा? नहीं नहीं, आप इलाहाबाद से आई हो। चलिए, तो मिताक्षरा स्कूल जो है वह यज्ञवल की स्मृति से आया है, इसको हम यजनावल की स्मृति कहते हैं, और इसको लिखने वाले विघ्नेश्वर थे। लेकिन दोस्तों मेरी बात को सुनो, अगर मैं मिताक्षरा के अलावा बात करूं तो दूसरी स्कूल कौन थी? दयाभाग। तो दयाभाग का भी मामला अलग है, यह मनुस्मृति से मेनली आया था। कहां से आया था? मनुस्मृति से, जिसके लेखक कौन थे? जिमूतवाहन थे। कौन थे? जिमूतवाहन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? क्लियर क्लियर क्लियर, यस। अब देखो मेरी बात के बात सुनो, अब एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं, शॉर्ट तरीका याद रख लो ताकि दिक्कत नहीं आए। एक तो मिताक्षरा स्कूल है, तो मिताक्षरा स्कूल के लेखक कौन है? एम वी। और दयाभाग की स्कूल के लेखक कौन है? डी जे। गाना सुना नहीं कभी कभी, बीच बीच में आता है डी जे, जो डीजे वाले होते हैं। तो दयाभाग के जो लेखक हैं वो कौन है दोस्तों? जिमूतवाहन। ठीक है जी। और वहीं पर मिताक्षरा के जो लेखक हैं, आया हुआ प्री में क्वेश्चन है ये, ऐसे नहीं याद करवा रहा हूं, जो मिताक्षरा के लेखक हैं वो कौन है दोस्तों? वी विघ्नेश्वर, एम वी डी जे। यस, सभी को क्लियर? अब चलिए आगे की बात करते हैं। अरे क्या हो गया, अरे क्या लिख रहे हो आप लोग गलत गलत, ऐसा वैसा मत लिखो, लवो कुछ नहीं हमारी क्लास में। आइए, तो दोस्तों मेरी बात को सुनना अच्छे से, अब मैं आपको बता रहा हूं मिताक्षरा और दयाभाग के बारे में। तो मैंने अभी तक आपको बताया बेसिक जानकारी, मिताक्षरा पांच प्रकार की है और मिताक्षरा के लेखक ये हैं, और यह कौन सी स्मृति से आई है वो भी बता दिया मैंने आप सभी को, कि यह यज्ञवल की स्मृति से आई है। अब हम दयाभाग की बात करते हैं, दयाभाग के जो लेखक हैं वो डी जे जिमूतवाहन है, और ये मनुस्मृति से संबंधित है, और यह अप्लाई कहाँ होती है? बंगाल और आसाम पर होती है। इसके लेखक जो है वो जिमूतवाहन है। दयाभाग इज अ डाइजेस्ट ऑन स्मृति, ये डाइजेस्ट के फॉर्म में होता है स्मृति का। अब डाइजेस्ट और कमेंट्री क्या होती है इसके लिए पिछला लेक्चर देख लीजिए, पढ़ा चुका हूं। दयाभाग डील्स विद इनहेरिटेंस, पार्टीशन एंड जॉइंट फैमिली। याद रख लो, दयाभाग तीन चीजों से रिलेटेड है, इनहेरिटेंस, पार्टीशन और जॉइंट फैमिली। चलिए अब मिताक्षरा स्कूल के बारे में एक बार पूरा खत्म करते हैं। दयाभाग तो एक पन्ने का ही है, ठीक है। चलिए, कमेंट तो मैं पढ़ूंगा नहीं भाई, गजब गजब लिखते हो आप लोग। चलिए, इट इज कमेंट्री ऑन यजनावल की स्मृति रिटन बाय विघ्नेश्वर इन द लेटर पार्ट ऑफ 11th सेंचुरी, 11वीं सेंचुरी के लेटर पार्ट में दिया गया, मतलब 12वीं शताब्दी उधर था। दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री प्रीवेलेंट ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड आसाम। आगे की बात देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल फादर हैज रेस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ एलाइनेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जो पिताजी थे उनके पास जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट था वो रेस्ट्रिक्टेड था। कहने का मतलब इसमें सन और डॉटर कैन क्लेम पार्टीशन एट एनी टाइम। हाँ, यहां पर पिता और पुत्री कभी भी पार्टीशन के लिए आपको, हाँ यहां पर सन और डॉटर कभी भी क्या कर सकते थे? पार्टीशन कर सकते थे किसी भी समय पर। अ सन हैज इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सिंस बर्थ। यहां पर जो लड़का होता था उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जन्म से ही अधिकार मिलता था। बात को समझना जो मैं शुरू में बता रहा था, एक मिताक्षरा स्कूल है, एक दयाभागा स्कूल है। मिताक्षरा स्कूल में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, समझ लीजिएगा, मिताक्षरा स्कूल में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ बधाई गीत सोहर चालू हो जाएगा और उसके मजे, क्योंकि प्रॉपर्टी में उसको राइट मिल गया पैदा होते ही। लेकिन जब दयाभाग स्कूल की बात आएगी, जैसे ही देखो, अ सन हैज इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सिंस बर्थ एंड इज अ कोपार्टनर इन सच प्रॉपर्टी अलोंग विद हिज फादर।
जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, पैदा होते ही उसका प्रॉपर्टी में राइट जनरेट हो गया। लेकिन जब हम बात करेंगे दया भागा स्कूल की दोस्तों, तो दया भाग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे उनके अपने नियम है। वहां बच्चे को राइट कब मिलेगा दया भाग में? जब बच्चा पैदा हो जाएगा और बाद में जाके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तब बच्चा आता है ऐसे कि मैं राइट लूंगा। ओके, आगे चलते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं। आफ्टर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, देखो पहले क्या था दोस्तों, पहले सिर्फ सन को राइट होता था मिताक्षरा में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 2005 का अमेंडमेंट आया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। उस अमेंडमेंट के द्वारा इसके साथ साथ डॉटर को भी राइट दे दिया गया। अब पुत्री को भी अधिकार है कि तुम भी मजे करो प्रॉपर्टी में। चलिए, आफ्टर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, नाउ डॉटर ऑल्सो हैज इंटरेस्ट इन दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड इज ऑल्सो कोपार्टनर। अब बेटे के साथ बेटी को भी क्या कर दिया गया, कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में राइट दे दिए गए हैं। तो मिताक्षरा स्कूल कैसा है? 5 सब डिवीजन है दोस्तों। और मिताक्षरा स्कूल के बारे में मैंने जानकारी बताई, और मिताक्षरा स्कूल में अब चेंजेस कर दिए गए वो भी जानकारी मैंने बता दी। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, कोपार्टनरी मेंबर कैन नॉट डिस्पोज ऑफ दियर शेयर वाइल कोपार्टनरी इज अनडिवाइडेड। हाँ, मिताक्षरा स्कूल की एक और खूबसूरती को देखिए। इस स्कूल के अनुसार जो कोपार्टनरी मेंबर होते हैं, समझ रहे हो, जो आपस में भाई बहन जो होते हैं, कैन नॉट डिस्पोज ऑफ दियर शेयर, वो अपने शेयर को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं जब तक कि प्रॉपर्टी बट ना जाए। अभी हाल ही की सिचुएशन मेरी खुद की फैमिली की भी यही थी, क्योंकि कोई जॉइंट फैमिली हमारी प्रॉपर्टी है, कोई वहां पर गया कि हम प्रॉपर्टी को अपना हिस्सा बेचेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी अभी तक बटी ही नहीं थी। जैसे ही हमने एक एप्लीकेशन डाला, प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर था सारा कैंसिल, हमारी प्रॉपर्टी सेफ हो गई। तो ये चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में जियो। अब देखो, कॉग्नेट्स कम्स आफ्टर एग्नेट्स। अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल, जो कॉग्नेट होते हैं साथियों, कम्स आफ्टर एग्नेट, मतलब पहला फर्स्ट स्टेप पे एग्नेट्स का अधिकार होगा, एग्नेट्स का अधिकार होगा। एग्नेट्स के बाद जो सेकेंड स्टेज पर प्रॉपर्टी पर राइट होगा वो किसका होगा, वो होगा कॉग्नेट्स का। अब ये एग्नेट और कॉग्नेट क्या होते हैं, निश्चिंत रहिए, एग्नेट और कॉग्नेट के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट में जरूर बताऊंगा। अब देखिए मेरी बात साथियों, यहां पर आगे की प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कॉन्सेंग्युटी जो है आपका, वह भी एक सिद्धांत है जिसके बेस पे मिताक्षरा स्कूल चलता है। अच्छा, मिताक्षरा स्कूल में एक और पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, वहाँ आई लव यू वाले भी लिख रहे हैं सर, देखो थोड़ा कमेंट, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं सर। डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलेट। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलेट क्या होता है दोस्तों? अब सुबह सुबह बताओ, राम का नाम लो, भगवान का नाम लो, पता नहीं क्या क्या लिखते हो आप लोग, मिलना जाना कुछ नहीं है, है? चलो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलेट भी जो है यह एक सिद्धांत है। अंडर मिताक्षरा स्कूल द डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलेट इज हैज लिमिटेड रिकॉग्निशन, मतलब फैक्टम वैलेट को रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। बोला गया है ठीक है यार, चल रहा है, 1% एप्लीकेशन दे दो, बाकी इसको इग्नोर किया गया है फैक्टम वैलेट को। अब आप लोग सोचेंगे फैक्टम वैलेट होता क्या है, इट मीन्स अ फैक्ट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय 100 ऑफ टैक्स, मतलब किसी भी फैक्ट को आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं 100 ऑफ फैक्ट्स देके। गेटिंग माय पॉइंट? तो अ फैक्ट, एक तथ्य को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता जो सालों से चलता आ रहा है बाय 100 ऑफ टैक्स। अब चलिए, अभी तक मैंने आप सभी को क्या पढ़ाया, मैंने आप सभी को मिताक्षरा स्कूल के बारे में पढ़ाया। क्या पढ़ाया? मिताक्षरा के बारे में इंट्रो प्लस कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। अब मैं आप सभी को बताऊंगा इसी मिताक्षरा स्कूल के टाइप्स कितने हैं। तो कुल मिला के इसके 5 टाइप्स हैं दोस्तों। पहले टाइप की बात कर लेते हैं, सब डिविजन्स ऑफ मिताक्षरा स्कूल। हाँ, सभी को समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों, एक बार थम्सअप कर दें कि हाँ सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है सर, हमको ये समझ में आ गया स्कूल होता क्या है, स्कूल कितने प्रकार के होते हैं, कौन से स्कूल के कौन लेखक थे, और इसके अलावा मिताक्षरा स्कूल होता क्या है। अब देखिए, सब डिविजन्स ऑफ मिताक्षरा स्कूल, देर आर 5 सब डिविजन्स। कितने? 5 सब डिविजन, ध्यान से देखिएगा। पहला है बनारस स्कूल,
दिस स्कूल अप्लाइज टू द होल नॉर्दर्न इंडिया। ये जो स्कूल है ये कहां पर अप्लाई होता है? होल नॉर्दर्न इंडिया पर। नॉर्दर्न इंडिया पता है कहां पर है? नॉर्दर्न इंडिया जो है दोस्तों वह उत्तर भारत कहते हैं इसको। हमारा साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया है, तो जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां बनारस स्कूल लागू होता है। दिस स्कूल अप्लाइज टू, बनारस स्कूल के बारे में बता रहा हूं, पूरे भारत में लागू होता है इंक्लूडिंग उड़ीसा। तो उड़ीसा को लेते हुए पूरे उत्तर भारत पर बनारस स्कूल लागू हो जाता है। एंड उसके बाद इंक्लूड एक्सेप्ट पंजाब एंड मिथिला। हाँ, पंजाब और मिथिला पर यह लागू नहीं होता। तो देखो अब हमें ना रटना नहीं है, देखो ब्रह्मा तो बनना नहीं है हमें ऋषभ जी की तरह। हमें क्या करना है, हमें चुपचाप अपने एग्जाम के पर्पज से अब छोटी छोटी दो दो तीन तीन लाइनें याद रखनी है, ठीक है? अब देखिए बनारस स्कूल क्या होता है, दिस स्कूल अप्लाइज टू होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इंक्लूडिंग उड़ीसा, बट कहां नहीं अप्लाई होता है? पंजाब और मिथिला में अप्लाई नहीं होता है। कमेंट्रीज अडॉप्टेड बाय दिस स्कूल, ये कमेंट्रीज कर दीजिएगा, कमेंट्रीज कौन कौन सी कमेंट्री अडॉप्ट की गई। अब देखो मैं आप सभी को बता रहा हूं, हर स्कूल ने अपनी अपनी कुछ कमेंट्री लिखी है। क्या बोल रहा हूं, हर स्कूल ने, मिथिला आप जानते हैं बिहार का एक राज्य था, ये बिहार का एक एरिया है मिथिला, अब इनके नाम चेंज हो गए हैं सबके, ठीक है? अब देखिए जो कमेंट्रीज बनारस स्कूल ने अडॉप्ट करी, बहुत सारी कमेंट्री अडॉप्ट की, उसमें से पहला था मिताक्षरा, दूसरा था वीर मित्रोदया, तीसरा था दत्तक मीमांसा, फिर उसके बाद निर्णय सिंधु, चौथा था विवाद तांडव, और उसके बाद था विवाद तांडव था उसके बाद था दोस्तों सुबोधिनी। कहने का मतलब ये चीजें चली है, जैसे अपन कहते हैं ना कौन कौन सी किताबें चलती हैं यहाँ पर इस कॉलेज में, कौन कौन सी बुक्स चलती है इस सब्जेक्ट की, उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी बनारस स्कूल थी उसमें निम्न कमेंट्रियों को एडॉप्ट किया गया था, ठीक है? तो इन कमेंट्रीज को पढ़कर इसके विचारों को पता लगाया जा सकता है। अब मिथिला स्कूल जो है मिताक्षरा के अंदर, मिथिला एक एरिया का नाम है। अब देखिए मिथिला स्कूल जो होता है वह नॉर्थ बिहार, कहने का मतलब जो तिरहुत का एरिया है, उत्तरी बिहार में एक तिरहुत जगह है, ये तिरहुत में लागू होता है। मतलब बिहार के नॉर्दर्न पार्ट को तिरहुत कहते हैं। तिरहुत इज अ प्लेस, राइट नाउ हम तिरहुत नाम से कुछ नहीं जानते हैं, बट पहले का एरिया है। आप लोग जानते हैं ना, जैसे अभी जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं, राइट? उसी तरह से इसकी जो कमेंट्रीज थी वो विवाद रत्नाकर, इनको सिर्फ रिकॉल कर लीजिए, विवाद चिंतामणि और मिताक्षरा, ये इसकी कमेंट्रीज थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिताक्षरा स्कूल जो था थर्ड, अप्लाइज टू होल बॉम्बे स्टेट। जो मिताक्षरा स्कूल है साथियों, यह पूरे बॉम्बे पर महाराष्ट्र स्कूल है यह पूरे बॉम्बे पर लागू होता है इंक्लूडिंग गुजरात एंड कनरा। तो कनरा भी एक जगह था पहले, तो यह जो महाराष्ट्र स्कूल है, क्योंकि आप देखोगे महाराष्ट्र और गुजरात पास पास में है, तो महाराष्ट्र स्कूल गुजरात हो गया आपका, वहाँ का बॉम्बे स्टेट हो गया, कनारा वहीं पे पास में है, उसमें ये सब जगह लागू होता है। इट अप्लाइज टू द एरियाज वेयर मराठी लैंग्वेज इज स्पोकन। तो जो महाराष्ट्र स्कूल है जहाँ पर मराठी बोली जाती है वहाँ पर इसको लागू किया गया है। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ओके, इट अप्लाइज टू दीज एरियाज। कमेंट्रीज के बारे में मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कमेंट्रीज कौन सी होती हैं? वीर मित्रोदया हो गया, निर्णय सिंधु हो गए, मिताक्षरा हो गए, व्यवहार मयूखा हो गया। तो इन कमेंट्रीज पर यह महाराष्ट्र स्कूल बेस्ड होता है, ठीक है जी? चलिए जो भी आप कमेंट्स कर रहे हैं मैं उसके लिए हंस सकता हूं, और मुझे पता है आप लोगों को कौन भेजते हैं, लेकिन साल भर तो हो गया है ना, टॉप थ्री में भी आ गया हूं मैं तो, लेकिन आप लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं यही कहूंगा, अदर को आप डिस्टर्ब मत करो, मुझे करना है पर्सनली कर लो भाई, अदर स्टूडेंट्स को कमेंट में डिस्टर्ब मत करो, गलत मत बोलो, ठीक है? चलिए द्रविड़ स्कूल जो आपका है, द्रविड़ स्कूल वो जो है अप्लाई कहां होता है? होल ऑफ मद्रास में, मद्रास के सारे एरिया में द्रविड़ स्कूल को लागू किया गया है। अगर इनके बारे में बात करूं तो यहां मिताक्षरा, स्मृति चंद्रिका, सरस्वती विलास, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? आई होप यू गॉट माय पॉइंट, क्लियर हो गया सभी को? ये थे चार पॉइंट हमारे। यस बबीता जी, कैसे हो, कैसी आपकी हेल्थ?
चलिए पांचवें नंबर पर बात करते हैं। पांचवा लास्ट स्कूल है पंजाब स्कूल। इट अप्लाइज टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया या नॉर्थ और वेस्ट इंडिया पर लागू होता है, कॉल्ड ईस्ट पंजाब। तो जो ईस्ट पंजाब का एरिया है वहां पर पंजाब स्कूल लागू होता है। इसकी कमेंट्री भी तीन इंपॉर्टेंट याद कर लो, मिताक्षरा, वीर मित्रोदया और पंजाब के जो कस्टम्स होते हैं। तो दोस्तों ये था आप सभी का, ये आप सभी का था अभी तक का मिताक्षरा स्कूल। स्कूल्स की अगर बात करें तो अभी आपका बधाई हो, मिताक्षरा स्कूल कंप्लीट हो गया है और मेन मिताक्षरा ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दयाभाग स्कूल की। दयाभाग स्कूल क्या कहता है साथियों? दयाभाग का जो एरिया था, पीरियड था, वो कितना था? वो था 1090 से 1130 एडी, मतलब पुराने जमाने का ये एरिया था। इस एरिया में दयाभाग डेवलप हुआ था। ये अप्लाई कहाँ होता है? देखो जो मिताक्षरा स्कूल है ये होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है, होल ऑफ इंडिया पर, एक्सेप्ट, यहाँ लिखा होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किसको? इस एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर मत बोलिएगा, एक्सेप्ट कौन सा? एक्सेप्ट बंगाल एंड आसाम, मतलब एक्सेप्ट बंगाल एंड आसाम को छोड़कर। तो बंगाल और आसाम पे कहाँ कौन सा कानून चलेगा? बंगाल के और आसाम के हिंदू ऐसे ही रहेंगे क्या? नहीं, बंगाल और आसाम के हिंदू दयाभाग पे चले गए। अब देखिए दयाभाग स्कूल जो अप्लाई होता है वो बंगाल और आसाम पर होता है, आसाम पर लागू होता है। और दयाभाग को जैसे ही पढ़ता हूं तो मुझे याद आता है डीजे। आप डीजे सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो डी का लेखक कौन है? जिमुत वाहन, याद रहना मेरी बात। हाँ, दयाभाग एक डाइजेस्ट है स्मृति के ऊपर, जो कुछ भी हमने स्मृति रखी, सोचा विचारा, याद रखा, उस पर एक डाइजेस्ट बनाया गया। जो कमेंट्री बनाई गई वो मिताक्षरा में चली गई, जो डाइजेस्ट हुए वो कहाँ चले गए? वो आपके आ गए दयाभाग में। दयाभाग तीन चीजों से डील करता है, इनहेरिटेंस पर डील करता है, पार्टीशन पर डील करता है और जॉइंट फैमिली पर डील करता है। क्या कर रहा हूँ? दयाभाग तीन चीजों पर डील करता है, पहला इनहेरिटेंस, दूसरा पार्टीशन, तीसरा जॉइंट फैमिली। अब सुनिए दयाभाग स्कूल के बारे में दो चार छोटी मोटी बातें। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं साथियों उसमें आपको क्या पता चलेगा डिफरेंस। जैसे मिताक्षरा स्कूल अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो आप सभी को मैं बता दूं, अब मैं जो दयाभाग स्कूल पढ़ाऊंगा उसके कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद करके मुझे होमवर्क भेजोगे टेलीग्राम चैनल पे। सुनिएगा, अनूप उपाध्याय के नाम से है। अब देखो मेरी बात को सुनिएगा, मिताक्षरा मैंने करा दिया, दयाभाग भी लगभग करा दिया, कुछ इसके एलिमेंट्स को मैं बताऊंगा, एसेंशियल पॉइंट्स। अब क्या करना है, आपका होमवर्क क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को लिखकर भेजेंगे। बस इसकी बातें जो बताई यहां लिख देना, इसकी बातें बताई वहां लिख देना, अपने आप डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मैंने उसी तरह से कंटेंट प्रिपेयर करके दिया है आपको। अब देखिए दयाभाग स्कूल के अंदर बात करते हैं मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली। जो जॉइंट फैमिली होती है उसके मेंबर्स, दे कैन डिस्पोज ऑफ दियर प्रॉपर्टी इन एनी मैनर इवन वाइल अनडिवाइडेड। पहला डिफरेंस समझो, मिताक्षरा में क्या पढ़ा, जब तक प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड है आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहले जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी का सब डिवीजन होगा, बंटवारा होगा, तभी मिताक्षरा में आप प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, बांट सकते हो दोस्तों। लेकिन अगर मैं आप सभी को कहूं कि क्या दयाभाग में भी ऐसा है क्या? नहीं, दयाभाग में प्रॉपर्टी बटी हो चाहे नहीं बटी हो आप बेच सकते हो। ओके, इन एनी मैनर इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ। फादर हैज एब्सोल्यूट राइट ऑफ एलाइनेशन। आपको मैं बता दूं दयाभाग स्कूल में पिता को पूरा अधिकार है प्रॉपर्टी पर, कभी भी एलाइनेट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं है। सन कैन नॉट क्लेम पार्टीशन और इवन मेंटेनेंस। यहां पर जो लड़का है पार्टीशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए क्या नहीं कर सकता, पार्टीशन और मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता, कैन नॉट क्लेम, बट वहां कैन क्लेम। अब आगे की बात, सम कॉग्नेट्स लाइक सिस्टर्स सन्स आर प्रीफर्ड टू मैनी एग्नेट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर हमने पढ़ा था कि भैया पहले यहां का सुन लीजिए, कुछ कॉग्नेट्स ऐसे हैं ठीक है जिनको प्रिफरेंस दी जाएगी, किसके ऊपर, एग्नेट्स के ऊपर। मिताक्षरा स्कूल, दयाभाग स्कूल, जो आपका दयाभाग स्कूल है वो क्या कह रहा है, कुछ कॉग्नेट्स ऐसे हैं, कुछ कॉग्नेट्स। अच्छा चलो मैं कॉग्नेट्स और एग्नेट्स के बारे में बता दूंगा लास्ट में, अगर आपको पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। कुछ कॉग्नेट्स को यहां प्रिफरेंस दी गई है, किसके रेस्पेक्ट में,
एग्नेट्स के रिस्पेक्ट में। मतलब इन जनरल क्या होता है, एग्नेट्स को पहली प्रेफरेंस दी जाती है, देन कॉग्नेट्स आते हैं। लेकिन साथियों यहां पर कॉग्नेट को कभी कभी कुछ कॉग्नेट्स को पहले प्रेफरेंस दी गई है, ये भी आपका एक डिफरेंस हो गया। वहां पर जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड था उसको थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिला था, यहां पर फुल्ली रिकॉग्नाइज किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड। मतलब एक फैक्ट को जो अगर प्रूव्ड हो गया है उसको 100 टेक्स्ट से झुटलाया नहीं जा सकता। अब चलिए, ये था आप सभी का एंडिंग ऑफ द क्लास, लेकिन अब मैं कुछ MCQs लेके आया हूं आपके लिए। यस और नो, क्या आप लोग डील करना चाहेंगे कुछ MCQs को? जो हमने अभी तक दो क्लासें पढ़ी है दोस्तों, क्या बोल रहा हूं, जो हमने अभी तक, अच्छा चलिए रूपाली जी कह रही तो मैं इसको पढ़ा ही देता हूं। एग्नेट्स और कॉग्नेट्स को बताने के बाद फिर हम लोग डील करेंगे किसके बारे में, हम डील करेंगे कुछ MCQs के बारे में। 5 से 7 MCQ लाया हूं दोस्तों, निश्चिंत रहिएगा। अब चलो, एक तो होता है एग्नेट और दूसरे होते हैं कॉग्नेट्स। देखिए एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हम बार बार पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। देखो एग्नेट्स क्या होते हैं, जैसे ये रिलेशन को बताते हैं, एग्नेट्स और कॉग्नेट्स किसके बारे में बताते हैं, संबंधों के बारे में बताते हैं। कौन से संबंध बताइए, हस्बैंड वाइफ के या ब्रदर एंड सिस्टर के? देखो एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के साथ साथ एक और आपको समझना पड़ेगा, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। एक होता है यूटेरिन ब्लड, इनको अच्छे से समझ लीजिए, इनको रिलेशन के, पहले मैं इसको समझाऊंगा, पहले इसको समझो, रिलेशन के बेस पर समझिए। हाफ ब्लड, फुल ब्लड और यूटेरिन ब्लड, ये होते क्या है दोस्तों, पहले इनको भी समझ लो, आपको बाद में एक दिक्कत नहीं आएगी। देखो फुल ब्लड का ये मतलब होता है जहां पर सन और डॉटर का संबंध है, मतलब भाई बहन का जो संबंध है वो देखा जाता है, इनका रिलेशन देखा जाता है कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब जैसे दो भाई हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड है, अगर ये जो सन और डॉटर जन्मे हैं इनका इनके इनके एक ही पिता हैं और एक ही इनकी वाइफ है, मतलब एक हस्बैंड और एक वाइफ से जो जन्मे हुए सन और डॉटर होते हैं वो फुल ब्लड कहलाते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे हम दो भाई हैं दोस्तों, हमारे एक ही पिता एक ही माता हैं, तो हम दोनों भाई आपस में रिलेटेड हैं कैसे, फुल ब्लड से। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? आप अपने घरों में देख लीजिए, आप जो अगर आपके एक पिता और एक माता हैं तो आप लोग आपस में फुल ब्लड से रिलेटेड हैं, दैट्स इट। तो वन हस्बैंड वन वाइफ। अब देखो हाफ ब्लड में क्या होता है दोस्तों, हाफ ब्लड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर जो भाई बहन है आपस में, जो भाई बहन है या भाई भाई है कोई भी, मतलब समझे ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं। अगर मैं आप सभी को कहता हूं कि यहां पर एक हस्बैंड है और मैनी वाइफ्स है, तो बताइए जो ये हस्बैंड की एक पत्नी ये वाली हो गई, इसी सेम हस्बैंड की एक पत्नी ये वाली हो गई, तो इसकी हस्बैंड की W1 W2 दो वाइफ हो गई। अब इसका जो बेटा होगा और इसका जो बेटा होगा आपस में हाफ ब्लड से रिलेटेड होंगे, क्योंकि इनकी रियल मम्मी नहीं है, समझ रहे हो? तो एक पति की जब बहुत सारी पत्नियां होती हैं तो उनसे जो पैदा होते हैं बच्चे W1 W2 W3 W4 W5 वो आपस में क्या कहलाएंगे, वो आपस में कहलाएंगे दे आर रिलेटेड विथ हाफ ब्लड। ओके अब सुनिए, यूटेरिन ब्लड क्या होते हैं साथियों? यूटेरिन ब्लड का मतलब यह होता है कि आपके यहां पर कैसे मामला हो जाएगा कि वाइफ तो एक है बट मंगवैया हजार बा, मतलब एक पत्नी है और बहुत सारे पति हैं, बहुत सारे, अरे चल जा, बहुत सारे हस्बैंड हैं। मतलब एक वाइफ के बहुत सारे जब पति हो जाते हैं तो इस अकेली महिला से जितने बच्चे पैदा होंगे वो आपस में कहलाएंगे यूटेरिन ब्लड, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा इसका बाप कौन है, इसका बाप कौन है, दैट्स इट।
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूटेरिन ब्लड. हम कभी भी इन तीनों कॉन्सेप्ट को ये देखने के लिए नहीं पढ़ते हैं कि पिता और पत्नी, माता और पिता कैसे संबंधित है. नहीं, हम भाई बहन के रिलेशन को समझने के लिए फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटेरिन ब्लड को समझते हैं. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. अब तीसरा पॉइंट जो आपको समझाना था वो था एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स. देखिए एग्नेट्स का मतलब क्या होता है साथियों, समझिएगा, बहुत आराम से समझा रहा हूं. देखिएगा एग्नेट्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए. एग्नेट्स में क्या होता है, मेरे ऊपर ही एग्जांपल लेता हूं. जैसे मैं एक मेल पर्सन अनूप उपाध्याय, मेरे फादर होंगे, नीचे से चलते हैं, मैं अनूप उपाध्याय मेल पर्सन. अब मेरे फादर से कनेक्शन अगर मैं जोड़ रहा हूं तो ये भी मेल हो गए, एम लिख रहा हूं. मैं अपने दादाजी से कनेक्शन जोड़ रहा हूं तो ये भी मेल हो गए. मैं अपने पट दादाजी से कनेक्शन जोड़ रहा हूं तो ये भी मेल हो गए. तो जब पूरी की पूरी पीढ़ी को मैं मेल से कनेक्ट करता हूं तो वो कहलाता है एग्नेट्स. ये आपस में एक दूसरे के साथ एग्नेट्स हैं. बोलो आया क्या समझ में. जब मैं रिलेशन पिता के थ्रू मेल से ही ऊपर चढ़ता हूं तो एग्नेट्स कहलाते हैं. वहीं पर साथियों अगर मैं मामला ऐसा लेता हूं जैसे मैं अनूप उपाध्याय, अगेन प्रमोशन भी हो रहा है ना, मेल, सुनो अब मैं मेल हूं अनूप उपाध्याय, मेरे फादर, अब मैं क्या चला गया मेरी बुआ जी के पास. वैसे रियल में मेरी कोई बुआ है नहीं, किस्मत का बहुत मारा हूं. मेरे पिताजी इकलौते हैं, ना तो मेरे पिताजी के भाई है ना बहन है. सुनिए मैं सोचता हूं मेरी बुआ होती तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट देती. तो आप सुनिए, मैं अनूप उपाध्याय, मेरे पिताजी, अब पिताजी की जो सिस्टर है वो मेरी क्या कहलाएगी, पिताजी की जो सिस्टर है वो मेरी बुआ कहलाएगी. तो यहां बुआ जी लिख दूं. अब बुआ के जो लड़के हैं दोस्तों, सन या इनका जो डॉटर है, ये क्या कहलाएंगे, ये मेरे भाई बहन कहलाएंगे. तो मेरा इनके साथ जो संबंध है ये कहलाएगा कॉग्नेट्स. ये मेरे कॉग्नेट्स कहलाएंगे, जो मेरे बुआ के लड़के और लड़की हैं वो मेरे कॉग्नेट्स कहलाएंगे. अब यहां पर डिफरेंस क्या हुआ, यहां पे जो रिलेशन में जो चेक कर रहा था उस रिलेशन के बीच में मेल भी आ गया, ये रे मेल, और फीमेल भी आ गई. तो जब मेल और फीमेल दोनों का कनेक्शन जुड़ता है तो वो कॉग्नेट्स कहलाता है, और जब ओनली मेल का कनेक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है, एग्नेट्स. तो आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा. पढ़ते रहिए इधर से उधर से, लेकिन जो मैंने बता दिया पत्थर की लकीर है. ऐसे ही एग्जांपल लिया करो. पढ़ाई कोई वो मंगल ग्रह से तो आई नहीं है, हम लोगों का ही हिंदू लॉ है, हमको आपस में समझना है दोस्तों, ठीक है. तो ये सब मामले थे. अब देखिए, अच्छा डिफरेंस क्या करोगे, ये होली मेल से कनेक्टेड होते हैं, और जिसने भी यहां लिख दिया ये फीमेल से कनेक्ट होता है वो गलत है. अधिकतर लोग यही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं. नो, नॉट होली थ्रू मेल्स, नॉट टोटली थ्रू मेल्स. नॉट मेल का मतलब यहां मेल भी हो सकता है, फीमेल का भी रिलेशन आएगा ही आएगा. चलो जी, अब कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं. एक बार थम्सअप कर दो कि हाँ जी समझ में तो आ रहा है सर, एक बार थम्स अप कर दीजिए. अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं साथियों, उनको मैं डील करता हूं आपके साथ एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग. यस, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हिंदू लॉ इज अ सिविल लॉ, पर्सनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ, जल्दी बताएं. तो जो हिंदू लॉ है दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जब मैंने सोर्सेस पढ़ाए थे आपको, मैंने बताया था हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है, राइट. हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ होता है, ठीक है. दूसरा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लॉ आर प्रोवाइडेड इन दी.
जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, उसके अंतर्गत फैमिली लॉ को किस लिस्ट में रखा गया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट? तो आपका राइट आंसर होगा यह कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट बनी हुई है, वो आपके नाम के आगे हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तीसरा क्वेश्चन, जो सबसे एंशियंट सोर्स है हिंदू लॉ का वो कौन सा है? श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज एंड कस्टम। तो आपको मैं बताना चाहूंगा जो सोर्सेज हमारे हैं वो दो पार्ट में बटे हुए हैं, एक तो एंशियंट सोर्स है अपने और एक मॉडर्न सोर्स है। दोस्तों दोनों मैंने आपको बताए थे। एंशियंट सोर्स में ये तीनों के तीनों कवर होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। नो अपराजिता शुक्ला, आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है, दैट मींस कोई बात नहीं, आज दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज एंड कस्टम, ये सारे के सारे हमारे एंशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ? मॉडर्न नहीं पूछ रहा है, नॉट मॉडर्न लॉ, इसका मतलब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है एंशियंट सोर्स बताना है आपको, एंशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। तो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, प्रीसीडेंट को कहते हैं पूर्व निर्णय, पूर्व निर्णय। लेजिस्लेशन को बोलते हैं जो भी विधान वगैरह बने होते हैं। कस्टम को रूढ़ी बोल सकते हैं। इक्विटी, न्याय, समानता और अंतःकरण की शक्ति जो होती है, गुड कॉन्साइंस। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा राइट आंसर विल बी डी, ये एंशियंट सोर्स पूछ रहा है, ये तीनों के तीनों आपके मॉडर्न सोर्स में आते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? कस्टम। अगला प्रश्न, विच हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क मिताक्षरा? आपकी जो फेमस वर्क है मिताक्षरा, उसके लेखक कौन है? याद करो मेरे ट्रिक को, ट्रिक को लिखोगे तो मजा आएगा। आंसर छोड़ो, पहले तो मुझे ट्रिक चाहिए। एम के साथ क्या लगेगा? यस, दो ट्रिक बताया मैंने आपको, ये सब प्री के क्वेश्चंस हैं। एम, एम के साथ जो जुड़ेगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस दोस्तों। एम वी, वी का मतलब विजनेश्वरा, तो मिताक्षरा के जो लेखक हैं वो विजनेश्वरा है। और अगला स्टेप, अगला ट्रिक बताइए, एक और बताया मैंने आपको, डी जे। डीजे गाना सुनते हो कि नहीं सुनते हो? अब शादी में जाओगे डांस करोगे सब लोग कि डीजे वाला गाना लगाइए सर। तो डीजे, दया भाग के साथ जिमुतवाहन। चलो, द ऑथर ऑफ दया भाग वॉज, दया भाग के लेखक कौन है? डी फॉर डी और जे फॉर जिमुतवाहन, डीजे। बोलो तो कितना मजा आ रहा है। आगे चलिए, जिमुतवाहन इज नॉन फॉर, तो जी के आगे क्या आएगा? डी, अगेन डीजे। जिमुतवाहन दया भाग लिखे थे, बी। सो दिस इज द एंडिंग ऑफ द क्लास। कुछ इंफॉर्मेशन और बता देता हूं। लिंकिंग लॉज अनूप सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनूप उपाध्याय के नाम से भी टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं एंड आपको बराबर फीडबैक मैं देता रहूंगा। मैं अनूप उपाध्याय, 4 तारीख से आपका लिंकिंग रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है, 12 महीने का कोर्स है जहां पर मैं आप सभी को पढ़ाने आ रहा हूं। एंड आप सभी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। लिंकिंग कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आज लास्ट डेट है अप टू 40% ऑफ का। एंड दीज आर द फीचर्स एंड अचीवमेंट्स। स्पेशल क्लास बिल्कुल आज रात को 10:15 पे मैं रखूंगा, जरूर मिला करो, वहां पे मैं आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करा दूंगा एग्जाम के लिए, ठीक है। स्पेशल में इंटरेक्टिव क्लास, पोल्स, रेजा हैंड, नियोमिस क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर फैसिलिटीज आर देयर। प्लस में 6, 12, 18, 24 मंथ्स के कोर्सेज हैं, आइकॉनिक में 6, 12 और आपके 24 मंथ्स के कोर्सेज हैं। लिंकिंग कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, देखते हैं, मुस्कान अभी बता देंगे। एंड प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। आइकॉनिक में आपके पर्सनल गाइडेंस, चेंसलेसिस, स्टडी प्लान, एक्सपर्ट्स, गार्डन प्रो की, यदि कोई भी अनअप्रोप्रिएट कंटेंट है तो उसे आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं बक्स बाउंटी के माध्यम से। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंडिंग ऑफ माय क्लास। कोई त्रुटि रही हो तो माफी चाहूंगा। मोटिवेट करिए, शेयर करिएगा लेक्चर को, ताकि मैं ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए और लेके आऊं। अगले पार्ट में मैं अब स्टार्ट करूंगा, सोर्सेज हो गए, स्कूल्स हो गए,
अब आपके एक्ट स्टार्ट होंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, बैक टू बैक आपको सारी चीजें मैं देता रहूंगा। सो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद एंड जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।